हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम सेल बायोलॉजी का एक छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे जिससे काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं। दिस टॉपिक इज़ वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट। तो इसके अंदर मेनली हमें ये देखना है कि क्लैथरिन कोटेड वेसिकल्स किस तरीके से ट्रांसपोर्ट होते हैं। आपने नाम सुना होगा क्लैथरिन कोटेड। इसके अलावा आपने सुना होगा कि कॉप वन भी ट्रांसपोर्ट करता है, तो कॉप वन कोटेड भी वेसिकल्स होते हैं। इसके अलावा कॉप टू कोटेड वेसिकल्स भी होते हैं। तो मैं ये पहले आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आपको लगेगा कि ये आपके मतलब का है तो उसके अकॉर्डिंग आप आगे की वीडियो देख सकते हो। तो ये तीन टाइप के वेसिकल्स हैं जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, मतलब या तो सिक्रीशन में हेल्प करेंगे सब्सटेंसेस की, या फिर गोल्जी से ER ट्रांसपोर्ट या ER से गोल्जी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का वो करने में हेल्प करते हैं। तो उन्हीं के बारे में अब मैं आपको वेसिक्यूलर ट्रांसपोर्ट के अंदर बताऊँगी। सबसे पहले आपको एक चीज़ जाननी है, वो चीज़ क्या है? वो ये है कि जो भी ER के पास प्रोटीन्स आते हैं वो प्रोटीन्स दो टाइप के होते हैं, मतलब उन प्रोटीन्स में दो तरीके के आपको प्रोटीन्स मिलेंगे। एक जिन्हें कि रेजिडेंट प्रोटीन्स बोला जाता है। रेजिडेंट प्रोटीन्स बेसिकली वो प्रोटीन्स होते हैं जो कि रेजिडेंट है, मतलब वो ER के ही प्रोटीन है, वो ER के अंदर ही रहेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू मूव आउटसाइड, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं उन्हें सिक्रीटरी प्रोटीन्स या फिर आप उन्हें एक्सपोर्ट प्रोटीन के नाम से भी जान सकते हो, एक्सपोर्ट प्रोटीन, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट होता है, उनका सिक्रीशन होता है, सेल से बाहर उन्हें भेजा जाता है। तो दो टाइप के प्रोटीन्स ER के पास आते हैं, या तो वह एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर निकल जाते हैं जैसे कि सिक्रीटरी प्रोटीन्स, या फिर वो ER के अंदर ही रह जाते हैं जिन्हें रेजिडेंट प्रोटीन्स बोलते हैं। अब ये जो भी ट्रांसपोर्टेशन है ये अलग अलग मेथड से होता है और अलग अलग टाइप के वेसिकल्स यहाँ पर इन्वॉल्व होते हैं। जो भी वेसिकल्स यहाँ पे इस ट्रांसपोर्टेशन को करने में हेल्प करेंगे वो सारे वेसिकल्स ऐसे होते हैं कि उनके ऊपर कोई ना कोई कोटिंग लगी होती है। वो कोटिंग ये चीज़ बताती है, मतलब सेल को भी तो पता होना चाहिए ना कि इस प्रोटीन को कहाँ भेजना है। तो वो जो कोटिंग होती है उस वेसिकल के ऊपर वही डिसाइड करती है कि उस प्रोटीन को कहाँ भेजा जाएगा। तो इसीलिए कोटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हेयर। एंड देयर आर थ्री डिफरेंट काइंड्स ऑफ कोटिंग्स, जैसे बताया क्लैथरिन, कॉप वन एंड कॉप टू। अभी मैं इन तीनों के बारे में आप सबके साथ डिस्कस करूंगी। पहले हम एक डायग्राम है वो देख लेते हैं। ये डायग्राम मैंने तेज एंड जीगर की जो बुक है 6th edition उससे लिया है, तो अगर आपको रेफ़र करना है तो उस बुक को रेफ़र कर सकते हो। अब ये आप देख सकते हो, ये एक टाइप का जैसे सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हो रही है वो आपको बताया, मतलब वेसिक्यूलर ट्रैफिक जो हम बोल रहे हैं उसके बारे में बताया गया है। अब इसे समझने के लिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दी बॉटम, बॉटम से शुरू करते हैं। तो हेयर इज़ दी ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है यहाँ। दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ दी रफ वन। स्मूथ वाली की हम बात नहीं कर रहे हैं, रफ़ वाली की ही बात कर रहे हैं, बिकॉज रफ इज़ दी वन विच इज़ गोइंग टू प्रोड्यूस प्रोटीन्स, इट इज़ गोइंग टू कंटेन प्रोटीन्स, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स एसोसिएटेड होंगे, वो प्रोटीन बना बना के रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दे रहे होंगे। अब क्या होता है कि वो जो भी प्रोटीन्स यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो यहाँ पे जाते हैं आगे जाके और वेसिकल्स के अंदर चले जाते हैं। देयर इज़ बल्जिंग ऑफ द मेम्ब्रेन, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो होती है बल्ज आउट होती है ताकि वेसिकल्स बन जाएं। अब उन वेसिकल्स के ऊपर अलग अलग टाइप की कोटिंग हो सकती है, जैसे कॉप टू यहाँ मैंशनड है, कॉप वन मैंशनड है, बट कॉप वन कॉप टू का जो फंक्शन है वो ऑपोजिट होता है। कॉप टू जो होता है उन प्रोटीन्स के ऊपर लगता है जिन भी प्रोटीन्स के वेसिकल्स को हमें ER टू गोल्जी भेजना है, तो ER टू गोल्जी के लिए कॉप टू इज़ रिक्वायर्ड एंड गोल्जी टू ER के लिए कॉप वन इज़ रिक्वायर्ड। दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन कॉप वन एंड कॉप टू, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस मैंने आपको बताया दोनों के बीच में, ये आपको अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये कि मैंने एक और टाइप के वेसिकल बताए थे क्लैथरिन कोटेड। अब वो क्लैथरिन का है, तो देख सकते हो दिस रेड कलर्ड वन इज़ क्लैथरिन। तो क्लैथरिन इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन और द एंट्री ऑफ द प्रोटीन। तो जो भी सेल के अंदर एंटर करता है प्रोटीन उस वो जिस भी वेसिकल के थ्रू आता है उस वेसिकल के ऊपर हमेशा क्लैथरिन एसोसिएटेड होता है, क्लैथरिन आके अटैच होता है। तो वही चीज़ आपको यहाँ बना के दिखाई हुई है
कि ये क्लेथरिन कोटेड वेसिकल्स हैं जो देखने को मिल रहे हैं. सिमिलरली दीज आर कॉप वन कंटेनिंग एंड दीज आर कॉप टू कंटेनिंग. तो तीन मैंने आपको बता दिए. अब इनका ट्रांसपोर्टेशन भी एक बार देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं. तो यहाँ देखो ईआर है, ईआर के पास प्रोटीन आया, उस प्रोटीन को भेजा गया कॉप टू कंटेनिंग वेसिकल्स में. वहाँ से वेसिकल्स गए गॉल्जी के साथ, एसोसिएट हो गए उसके साथ, आके असेंबल हो गए उसके साथ, अटैच हो गए. जब भी अटैच होंगे तो वो प्रोटीन अपना जो भी होगा वो गॉल्जी के अंदर भेज देंगे. नाउ गॉल्जी हैज़ डिफरेंट कंपार्टमेंट्स. जैसे उसका ये वाला जो पोर्शन होता है जो कि ईआर के पास होता है, दैट इज सिस, जो ईआर से दूर होता है उसे ट्रांस बोलते हैं. एंड बीच में कुछ मीडियल गॉल्जी भी होते हैं, मतलब बीच वाले, मीडियल वाले, इंटरमीडिएट गॉल्जी एपरेटस के पार्ट. तो ये सारे जो होते हैं ना वो आपस में कनेक्टेड होते हैं यूजिंग सर्टेन वेसिकल्स. तो वेसिकल्स होते हैं कुछ जो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं प्रोटीन का एक साइड से दूसरी साइड, और फिर उसके बाद उन प्रोटीन्स को फिर भेज दिया जाता है टूवर्ड्स द आउटर साइड. तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वेसिकल फ्यूज हो जाते हैं और फिर उस प्रोटीन को सेल से बाहर निकाल दिया जाता है. ठीक है, तो ये था कॉप टू वाले वेसिकल्स का काम. अब कॉप वन का कहाँ आता है? कॉप वन का आता है जब भी गॉल्जी ने प्रोटीन को मॉडिफाई किया. ठीक है, मैं कौन से प्रोटीन की बात कर रही हूँ? मैंने आपको ईआर रेजिडेंट प्रोटीन्स के बारे में बताया था. तो ईआर के जो रेजिडेंट प्रोटीन्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो ईआर के अंदर ही रहें. उनका कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन गॉल्जी तक किया जाता है बिकॉज दे नीड टू बी मॉडिफाइड. अगर उनमें मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो उन्हें गॉल्जी में भेजा जाएगा एंड गॉल्जी से फिर वो आएंगे कॉप वन कंटेनिंग वेसिकल्स के थ्रू वापस आते रहेंगे और यहाँ आके ईआर से एसोसिएट हो जाएंगे ताकि उस प्रोटीन को वापस से ईआर में भेज दिया जाए. तो कॉप टू वॉज एसोसिएटेड विद द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ईआर टू गॉल्जी एंड कॉप वन इज एसोसिएटेड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम गॉल्जी टू ईआर. तो दोनों का मतलब आपको समझ आ गया होगा. अब अगला देखते हैं. तो नेक्स्ट इज क्लेथरिन कोटेड. तो अगर कोई प्रोटीन बाहर है, उस बाहर वाले प्रोटीन को सेल के अंदर लाना है, तो वो भी वेसिकल्स के थ्रू ही आता है एंड उस वेसिकल पे जो भी कोटिंग होती है वो होती है क्लेथरिन वाली. तो क्लेथरिन कोटेड वेसिकल्स आपको देखने को मिलते हैं. वो आते हैं फिर उसके बाद या तो वो कहीं एंडोसोम वगैरह के साथ फ्यूज़ होते हैं या फिर उन्हें आगे जाके गॉल्जी के साथ फ्यूज़ करवाया जाता है या फिर वैक्यूल के पास भेजा जाता है. तो अलग अलग फंक्शनिंग है, उसके अकॉर्डिंग क्लेथरिन कोटेड वाले वेसिकल्स काम करते हैं. तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि क्लेथरिन वाले जो होते हैं वो एंडोसाइटोसिस में उनका रोल होता है. एंडोसाइटोसिस, तो जो भी सेल के अंदर भेजना है सब्सटेंसेस को उसके लिए ज़रूरी है, एंडोसाइटोसिस बोलेंगे. कॉप वन का मैंने आपके साथ शेयर किया. कॉप वन होते हैं जो गॉल्जी टू ईआर होते हैं, तो ये गॉल्जी टू ईआर ट्रांसपोर्टेशन करते हैं. एंड वी हैव कॉप थ्री जो कि उल्टा यानी ईआर टू गॉल्जी ट्रांसपोर्टेशन कैरी आउट करते हैं. तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है. अगर मैं इनका कुछ आपको ये बताऊं कि एक्चुअल में इन इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को बोलते क्या है, तो गॉल्जी टू ईआर जो होता है उसे रेट्रोग्रेड बोला जाता है. रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्ट मतलब उल्टा है. रेट्रो का मतलब पता है ना आपको, उल्टा, मतलब रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन. नॉर्मली ईआर टू गॉल्जी होती है कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, बट क्योंकि ये उल्टी हो रही है यानी गॉल्जी टू ईआर हो रही है इसीलिए रेट्रोग्रेड बोलेंगे. ईआर टू गॉल्जी यानी कॉप टू जो करते हैं उसके लिए हम एंटेरोग्रेड टर्म यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन होता है. तो मैंने जो चीज़ आपको समझाई है ना वही चीज़ आपको इस पीडीएफ में आगे दे रखी है स्टेप बाय स्टेप. तो 8 स्टेप्स मेंशन्ड है. दीज 8 स्टेप्स आर लेबल्ड हेयर आल्सो इन दी डायग्राम. तो उसे आप रेफर कर सकते हो. मैं आपको ये पीडीएफ जो है ये प्रोवाइड कर दूंगी नीचे जो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इस वीडियो का, तो वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हो. बाकी मैं जो आपको पीडीएफ शेयर करूँगी ना वो विदाउट एडिटिंग होगी, मतलब जो मैंने लिखा है वो सब उसमें नहीं होगा, ताकि आपको समझ आ जाए इजीली. क्योंकि मैंने यहाँ कुछ कुछ चीज़ें ना मार्क करी हुई हैं जिसकी वजह से फिगर को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आप सबके लिए.
तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप जो PDF प्रोवाइड करूंगी उससे पढ़ लेना, बाकी अगर आपको प्रिंट आउट निकलवा के उसके ऊपर कुछ लिखना है तो वो अलग से लिख सकते हो, या फिर प्रिंट नहीं भी निकलवाना तो अपनी लैंग्वेज में जैसे जैसे मैं समझा रही हूँ वैसे वैसे रजिस्टर्स में अपने लिख सकते हो। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कमेंट करना, लाइक करना इस वीडियो को और शेयर ज़रूर करना। और अब अगर आपने आज तक मेरी वीडियोस को मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।